अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी पेड इन्फॉर्मेशन इसमें सेट करके दे दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने भी एक साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और जितनी चीजें मैंने इसमें फेस की वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को जीमेल अकाउंट क्रिएशन से लेकर यूट्यूब थंबनेल तक, वीडियो कैसे अपलोड करनी है, वीडियो की एसईओ कैसे करनी है, बैकएंड पे एसईओ किस तरह से होती है, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करना है यूट्यूब के लिए, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का वैल्यूएबल कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सकता है। देखें यार, इस तरह का कोर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा हमारी मेहनत लगती है। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस करते हैं और उसी के साथ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मुझे भी इस चीज का फायदा हो सके जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए इतना अवेलेबल शेयर कर रहा हूं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये कोर्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना होगा यहाँ पर जीमेल अकाउंट, सेटअप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल, क्योंकि मेरी बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स बनी हुई हैं और मैं अब जो है वो न्यू सेटअप कर रहा हूं। तो आपने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर माय पर्सनल यूज, आपने सिंपली पर्सनल यूज करना है। अब आप कौन सा नेम रखना चाहते हैं, देखें ये जीमेल अकाउंट क्रिएशन जो है वो आपको आगे जाके भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो आपने यहाँ पर अपना नाम इस तरह से रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जोरेन। मैंने सिंपली एक मेरा जोरेन टैग है, कुछ जोरेन है तो मैंने यहाँ पर जोरेन ही लिख लिया। और मैं यहाँ पर अपनी बर्थडे, आपने ये लाजमी, क्योंकि ये वेरिफिकेशन आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए आपने वेरिफिकेशन आपने लाजमी से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। और यहाँ पर जेंडर वगैरह, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर आप जो भी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन ये आपको कुछ सजेशंस दे देगा कि आप इनमें से ईमेल एड्रेस अपना चूज कर सकते हैं। बट आपने इनमें से नहीं करना, आपने करना है क्रिएट योर ऑन ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पर अपना नाम रखेंगे, जैसे कि मैंने रख दिया जोरेन, जो भी आपके ईमेल एड्रेस है। अब देखिए कितना मुश्किल है, Z7921738, इस तरह के आपने नेम नहीं रखने जो कि हमें याद ही ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 1122। अब ये एक, ताकि मुझे याद रहेगा, मैंने सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया तो ये देखें ये भी अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पर 333 रख दिया इस तरह से। बट आपका जो नेम हो आप सिंपल से सिंपल इसको रखेंगे। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया, इतने ज्यादा नंबर भी आपने यूज नहीं करने। देखिए मेरा ये कंटिन्यू हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे, पासवर्ड देने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। दोनों कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रिकवरी ईमेल लाजमी दे देना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस लॉस हो जाता है तो आप रिकवरी ईमेल डाल के उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको दे दें, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये रख देता हूँ। और या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली मैंने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया और इसने मुझे बता दिया zoran1122338@gmail.com ये आपका ईमेल है, आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। मैंने सिंपली ये कर लिया। यहाँ पर आई एग्री पर आप लोगों ने लाजमी से क्लिक कर लेना है। देन आप लोगों के सामने एक न्यू प्रोफाइल आपके ईमेल एड्रेस के साथ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने YouTube की तरफ। तो हमने इसमें अपना चैनल क्रिएट करना है और अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम YouTube खोलेंगे न्यू Gmail पर, तो आपके सामने आएगा ट्राई सर्चिंग टू गेट स्टार्टेड। देन आपने यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे अपने YouTube स्टूडियो में। जैसे ही आप YouTube स्टूडियो पर जाएंगे तो ये आपको कहेगा कि आप अपना चैनल का नेम क्या रखना चाहते हैं वो मुझे बताएं। आपने नेम रखना है। अब देखें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप लोग वो नेम रख लेते हैं जो कि हर बंदा इजीली यूज़ कर रहा है। मैं आपको सिंपली एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि जोरेन टैग जो एक नेम है, ये आपको पूरे यूट्यूब पर जस्ट मेरा ही नेम मिलेगा। ऐसा नेम आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक यूनिक नेम है। मैंने इसको खुद सोचा था और इसका नेम मैंने अपने चैनल का खुद रखा था। इसी तरह से आपके चैनल का नेम भी ऐसा होना चाहिए। अब जैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्नो गेमर्स नेम रख देंगे, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल्टर में दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं चैनल के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए टेक्नो गेमर्स के नेम से ही इतने सारे चैनल बने हुए हैं। इनमें से कोई भी चैनल नहीं होगा, सिर्फ टेक्नो गेमर का ऑफिशियल चैनल जो कि 39 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ है वही रैंक होगा। इसी तरह कोई भी आप चैनल देख लें, मैं यहाँ पर जब जोरेन टेक सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं फिल्टर में जाके यहाँ पर आपको चैनल्स दिखा देता हूँ, तो देखें जोरेन टेक आपको जस्ट मेरा ही शो होगा। बाकी ये जो जिसने भी बनाए हुए हैं ये सारे फजूल हैं, ये भी मेरा ही चैनल है, बट ये जिसने भी बनाया हुआ है ये फजूल है, क्योंकि ये रैंक नहीं होगा। और ये 1.3 सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर मैं इसके व्यूज आप लोगों को दिखा दूं, बट यार कंटेंट यूज कर रहा है आपके भाई का, मुझे कोई एतराज नहीं है। इजीली आप यूज कर सकते हैं। कौन सा ये मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि रीयूज कंटेंट का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखें 14 व्यूज, 8 व्यूज, 12 व्यूज, 7 व्यूज, मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है। बेशक आप यूज़ करें, वो दूसरे लोग होते होंगे यार आपके पाबंदियां लगाते हैं, हमारा कंटेंट यूज़ ना करो, स्ट्राइक दे देते हैं ये वो, ऐसा कुछ मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप जैसे यूज़ करेंगे आपका चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं होगा, ये यूट्यूब की पॉलिसी है, आप अपना कंटेंट खुद ही मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो इसी तरह से आपने अपना नेम जो रखना है वो यूनिक रखना है, जो कि किसी के सामने ना हो। अब आप नेम सोचने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी नहीं तो आप बहुत सारे और टूल्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आप यूट्यूब चैनल, जैसे कि आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ना यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज़, तो यहाँ पर आपको वैसे भी बहुत सारे नेम आइडियाज मिल जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर जब जनरेटर लिखेंगे, सॉरी जनरेटर,
तो आपके सामने इस तरह के कुछ आ जाएंगे जिसमें आप अपना चैनल का नेम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, देखें कौन सा चैनल आप बनाना चाहते हैं, पर्सनल बनाना चाहते हैं या बिजनेस। मैंने सिंपली पर्सनल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी बनाना चाहते हैं। वैसे ये कैटेगरीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी। यहाँ पर आने के बाद भाई मैं कहता हूँ मैं अपना टेक से रिलेटेड ही चैनल बनाना चाहता हूँ, सिंपली मैंने टैग पर क्लिक किया। यहाँ पर मुझे शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन लाजमी प्रोवाइड करनी होगी कि मेरा चैनल किससे रिलेटेड है। आई वॉन्ट टू क्रिएट फॉर मोबाइल फोन अनबॉक्सिंग, सिंपली मैंने क्रिएट यूजर नेम पर क्लिक किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया। और यहाँ पर देखें कितने सारे इसने आपको नेम बना के दे दिया। अगर आप ये आपको देखें बड़े लग रहे हैं तो आप चैट जीपीटी से भी राइट करवा सकते हैं। बट पहले मैं इस चैनल को सर्च करके देख लेता हूँ, फोन प्रो अनबॉक्सर, क्या इस नाम का कोई चैनल है हमारे पास या नहीं। सिंपली मैं चैनल पर जाता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन प्रो अनबॉक्सर नाम का कोई भी चैनल आपके सामने नहीं आ रहा। इसने आपको जो नेम जनरेट करके दिए हैं इनमें ऐसा नेम भी है जो कि सिर्फ आपके चैनल का होगा। मैं सिंपली ये देखें टैग क्रू अनबॉक्सर को भी मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, तो इस नाम का चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो आपने वो चैनल नेम लेना है जो कि बिल्कुल यूनिक हो और सिर्फ आपके चैनल का नेम हो। तो मैं यहाँ पर जो नेम रखने वाला हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर इधर जाऊँगा, मैंने स्विच अकाउंट पर क्लिक किया, जैसे कि मेरे एक माइंड में है। तो मेरा ये चैनल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो मैंने इस चैनल को फिलहाल यूज नहीं करना। ऑल चैनल यहाँ पर क्रिएट अ न्यू चैनल है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं चैनल नेम दूंगा टेक ज़ोरन। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस नाम का चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आप ये कोर्स कब देख रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है इस कोर्स के बाद काफी ज्यादा लोग इस नेम का चैनल बना लें, बट अभी मैं अगर YouTube पर सर्च करूं तो मुझे नहीं लगता इस नाम का चैनल हो सकता है। देखें मैंने सिंपली टेक ज़ोरन सर्च किया और यहाँ पर देखें कोई भी चैनल मेरे नाम का टेक ज़ोरन नाम का अवेलेबल नहीं, क्योंकि नाम मेरा जो है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है। आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है तो आपका चैनल जो है वो सिंगल स्टेप के साथ क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें ये आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि काफी ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रोल होता है बैकएंड पर आपके चैनल को बूस्ट देने के लिए, आपके चैनल को रैंक करवाने के लिए। तो ये आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी होगी। आपने सिंपली अपने आइकन पर क्लिक करना, ट्विच अकाउंट करेंगे, यहाँ पर आपने टैग जो आपने अभी चैनल क्रिएट किया आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ये ऑप्शन आ जाएंगे, पहले नहीं आ रहे थे, अब आ जाएंगे कस्टमाइज चैनल, क्योंकि अब हमने अपने चैनल को कस्टमाइज करना है। जैसे कि यहाँ पर डीपी अपनी लगानी है, लोगो लगाना है, यहाँ पे जो भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर, जैसे कि आपको यहाँ पर ज़ोरन टैग की मिल जाएगी, इस तरह से यूनिक सी अट्रैक्टिव सी आपने इमेज लगानी है। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइज चैनल पर पहले तो क्लिक कर लूंगा। अब ये चैनल आर्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं और चैनल आर्ट को क्रिएट करने के लिए हमें चैट जीपीटी, कैनवा, इन चीज़ों की मे बी जरूरत हो सकती है। कैनवा की तो मस्ट नीड होगी। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट पर आना है, मैं आपको समझा देता हूँ आखिर लेआउट क्या होता है। देखिए चैनल ट्रायल, अगर आपने अपने चैनल पर कोई चीज़ ऐड की हुई है कि भाई मेरा चैनल किससे रिलेटेड है क्या है, तो यहाँ पर आप जो है वो अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी वीडियो आप ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर फीचर्ड वीडियो, कोई भी आप फीचर वीडियो लगाना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा रैंक हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर यू लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और वीडियोस का ऑप्शन है। देन अगर आप यहाँ पर सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको मूव भी कर सकते हैं कि आपने सब्सक्रिप्शन कहाँ रखनी है, लॉन्ग वीडियो के नीचे रखनी है या शॉर्ट वीडियो के नीचे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो ये इंस्टेंट आपका पब्लिश भी हो जाएगा और सेव हो जाएगा। हमें चाहिए बेसिक, हम सिंपली बेसिक मर जाते हैं और अब हम यहाँ पर चैनल आर्ट क्रिएट करते हैं। चैनल आर्ट के लिए देखें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर के लिए सिंपली और सिंपली मैं आ गया हूँ यहाँ पर कैनवा में, और कैनवा में आने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा लोगो डिज़ाइन। मैंने सिंपली यहाँ पर लोगो लिखा, यहाँ पर आर्ट डिज़ाइन लोगो, ये इस तरह की आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ अपने टेम्पलेट देता है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अल्टरनेटिव कैनवा के किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो आपको चैनल पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप कैनवा के अल्टरनेटिव देख सकते हैं जिसमें आपको प्रो कैनवा फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अगर आपको कोई अच्छा सा लोगो लग रहा है तो आप वो लोगो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप डार्क ब्लू, ब्लू, रेड, येलो, इस तरह के जो है वो कलर्स यूज़ करें जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है इस तरह येलो, जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग भी कामयाब हो सकें। अब ये लोगो मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, बट मुझे सर्कल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो इसका ऑफिशियल साइज़ है वो सर्कल में ही है, तो मैं सर्कल की तरफ ही जाना चाहूँगा। मैं वापस डिज़ाइन में आता हूँ और देखता हूँ कोई सर्कल में मुझे अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैं अपनी ही इमेज यूज़ कर लूँगा। तो मुझे कोई डिज़ाइन नहीं मिल रहा, मैं कोई अपनी ही इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सिंपली देखें यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद ये एक फ्रेम ले लिया है सर्कल वाला और वही इमेज मैंने अपलोड कर लिया। और यहाँ पर मैं जस्ट इस इमेज को यहाँ पर लाऊंगा और ये देखें इस तरह से मेरी इमेज आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी कोई भी इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो आप करेंगे, जैसे कि ये इमेज है मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो ये देखें ये आ जाएगी। जो भी इमेज आप यहाँ पर जस्ट क्रॉप करेंगे वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी येलो इमेज, बल्कि मैं इसको हटा देता
देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड अब चेंज कर लूँगा, मैं इसको अब ब्लू कर लूँगा। उसके लिए मैंने सिंपली एडिट फोटो पर क्लिक किया। ये कैनवा का प्रो फीचर है जो कि आपको एक्सेस नहीं होगा अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया। अब मुझे जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू करना है। उसके लिए सिंपली और सिंपली पहले मुझे इसको सेव करना होगा। मैं इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड जो है वो इस तरह का ब्लू करना होगा, ठीक है। मुझे ये ब्लू वाला बैकग्राउंड ठीक लग रहा है, इसको मैं इस तरह से रख दूंगा। और यहाँ पर शेयर डाउनलोड, और यहाँ पर साइज़ ठीक है ये, बल्कि मैं साइज़ और बड़ा कर लेता हूँ 1000, और डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपने वापस अपने चैनल में आना है, यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपने इमेज डाउनलोड की थी आप सिंपली उसको अपलोड कर देंगे। ये देखें, ये ऑटोमेटिक सर्कल में आएगी और आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये देखें आपकी इमेज भी लग गई है। अब है बैनर इमेज, जो कि आपको ये साइज़ बता रहा है एटली 2048x1152 पिक्सल का होना चाहिए, और 6 MB तक या फिर 6 MB से कम की इमेज होनी चाहिए। तो आपने इस साइज़ को यहाँ से कॉपी करना है इस तरह से। कैनवा में आएंगे आप। कैनवा में आने के बाद यहाँ पर आपने क्रिएट अ डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन यहाँ पर आप ये लिखेंगे, और यहाँ पर ये दूसरी अमाउंट जो है आप यहाँ पर ये लिख देंगे। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही साइज़ आ जाएगा जो कि बैनर का यूट्यूब ने आपको सजेस्ट किया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह के कुछ बैनर्स बने हुए भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे यूट्यूब बैनर। सिंपली आप YouTube बैनर लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको YouTube बैनर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इन्हीं में से कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये टेक वाला अच्छा लग रहा है, मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया, और ये देखें ये वही साइज आ चुका है जो कि ये है इसी तरह का, ठीक है। अब मुझे जस्ट यहाँ पर अपना लिखना है टेक्सोरन, और यहाँ पर गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ, न्यू वीडियो एवरी वीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरी डे, क्योंकि आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। देन यहाँ पर आप अपनी इमेज चेंज करना चाहते हैं तो इमेज का मैंने जैसे कि आपको बताया है, अब आप वो इमेज दोबारा से नहीं डिज़ाइन करेंगे बल्कि आप अपलोड में जाएंगे, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस पर जाएंगे और ये इमेज आपने अपलोड कर लेनी है, और यहाँ पर आप ड्रॉप कर देंगे तो ये देखें आपकी इमेज इस तरह से आ गई। आप बैकग्राउंड रिमूव करके कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट ये ठीक है क्योंकि आपको बनाना आ गया होगा। मैंने आपको सिखा दिया कि आप इस तरह से साइज बना सकते हैं। आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर आप डाउनलोड पर, और यहाँ पर आप जो है वो सिंपली इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है, देखें 1150 था, ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कम करके और डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लूँगा। सिंपली मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे अब अपलोड वाले सेक्शन में आना है। इमेज को लिया और मैं यहाँ से इसको अपलोड कर दूँगा। ये साइज़ मुझे बता रहा है विजिबल डेस्कटॉप पर ये इस तरह से होगा, और यहाँ पर आप व्यू ऑल डिवाइसेस पर इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आप टीवी पर ये इस तरह से आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सिंपली डन पर क्लिक कर दिया है, और ये मेरा जो है वो बैनर भी देखें आपके सामने सेट हो गया। कितना ईजी है। देन यहाँ पर आप अपलोड करके अपनी इमेज ऐड करें, या फिर आप वीडियो का वाटरमार्क जो भी ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर 150x150 पिक्सल का ऐड कर सकते हैं। मैं मोस्टली इसको यूज़ नहीं करता, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश करेंगे तो ये आर्ट जो है वो आपका सेव हो चुका है। अब आपने आ जाना है अपनी बेसिक इन्फो में। बेसिक इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन मस्ट देनी है, और यहाँ से आपने ये वाले जो नंबर्स हैं इसको हटा देना, क्योंकि आपका चैनल का नेम ऑलरेडी यूनिक है। तो ये देखें यहाँ पर टिक भी आ गया है, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये देखें इस तरह से टिक आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था चैट जीपीटी की आपको नीड होगी। चैट जीपीटी पर आप आकर बताएंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच अनबॉक्सिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल। मैंने सिंपली इसको एक कमांड दिया यहाँ पर, और ये देखें ये इस तरह से आपको SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करनी है इस तरह से, जो भी आपको अच्छी लगती है। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन बड़ी लग रही है आप यहाँ पर लिखें शॉर्ट प्लीज़, तो ये आपको छोटी डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा। ये देखें यहाँ पर आपने अपने चैनल का नेम और इस तरह से आप लिख देंगे, बल्कि यही मुझे ठीक लग रही है। मैंने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ तक इसको रख लूँगा। मैंने यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मुझे अपने चैनल का नेम देना है, इसने हाईलाइट करके दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्सोरन। मैंने अपने चैनल का नेम लिख लिया। यहाँ पर आर यू टेक एंथुजियास्ट लुकिंग फॉर कंप्रेहेंसिव अनबॉक्सिंग, और यहाँ पर ये देखें योर चैनल नेम। आपने ये लाजमी से देख लेना है कि इसने कहाँ कहाँ जो है वो बताया है कि यहाँ पर आप अपने चैनल का नेम या फिर जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आप यहाँ पर करेंगे, नहीं तो इसका बेस्ट वे आप कंट्रोल एफ प्रेस करें और यहाँ पर आप लिखें योर चैनल, तो यहाँ पर भी आपको बता देगा। यहाँ पर आप फाइंड पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर भी लिखा होगा योर चैनल नेम, तो ये आपको बता देगा। अभी कहीं भी नहीं है तो सिंपली आप इसको
कट कर देंगे और ये डिस्क्रिप्शन आपकी इस तरह से हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल वॉच, सैमसंग गैलेक्सी वॉच, फिटबिट, ये सारे वो कीवर्ड्स इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देन इसको मैं थोड़ा सा एंटर करने के बाद ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, और यहाँ पर मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, बल्कि ये चीज़ ठीक है, मैंने सिंपली इसको यहाँ पर ऐड कर दिया और वही योर चैनल नेम में मैं अपना चैनल नेम लिख दूंगा इसी तरह से। यहाँ पर देखें मेरी डिस्क्रिप्शन भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो में मुझे अपना ईमेल देना है। मेरा ईमेल क्या था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, zoran1233@gmail.com, इसको आप करेंगे, देन आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये भी चीज़ आपकी सेव हो चुकी है। ये जस्ट हमारे चैनल की अभी कुछ सेटिंग हुई है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपने लाजमी से कर लिए ना, जैसे आप ऐसे चैनल बना के छोड़ देते हैं, इसीलिए आपकी ना तो वीडियो रैंक होती है और ना आपको उसका कुछ फ़ायदा होता है। मैं व्यू चैनल पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ मेरा चैनल अब किस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेम दोबारा आ गया, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ दोबारा अगेन। इसको हम यहाँ पर जाएंगे एंड बेसिक इन्फो, ये ठीक है, नेम तो मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है, वो कुछ देर के बाद खुद ही हट जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर अबाउट दिस चैनल पर मैं क्लिक करूँगा, व्यू ईमेल पर ये मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रही, तो ये भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई है और यहाँ पर आप चैनल का नेम देखें मेरा चेंज हो चुका है कुछ ही देर में। और यहाँ पर हमारा बैनर भी बहुत परफेक्ट लग रहा है, इमेज भी बहुत परफेक्ट लग रही है। अब कंटेंट क्रिएशन वगैरह की बारी है, पहले हमें इसकी कुछ SEO ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, चैनल की SEO। चैनल की SEO करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर आना है और YouTube स्टूडियो पर आप क्लिक करेंगे। देखें वो हमने चैनल की सेटिंग की थी जिसमें हमने बैनर वगैरह लगाया था, ये सेटिंग अलग है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको कहेगा वेलकम टू YouTube स्टूडियो, आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये आपको देखें सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अब ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट यूनिट आपकी करेंसी USD आप रखना चाहते हैं जिसमें आपकी अर्निंग शो होगी, आप पाकिस्तान PKR वगैरह भी रख सकते हैं, मैं USD ही मोस्टली रखता हूँ, देखने में अच्छा लगता है। चैनल पर आप आ जाएंगे, चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंट्री रेजिडेंसी लाजमी सेलेक्ट करनी है। इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यार वो इसको सेलेक्ट ही नहीं करते, YouTube खुद कंफ्यूज हो जाता है, हमने वीडियो को रैंक कहाँ करना है, किस ऑडियंस को दिखाना है, कौन से कंट्री में दिखाना है। जब तक वो समझता है तब तक आप जो है वो 100-200 वीडियो अपलोड कर चुके होते हो। बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे YouTube का एल्गोरिथम एडवांस है, ये है वो, जी हाँ बिल्कुल है, बट आपकी लैंग्वेज और इंडिया वालों की लैंग्वेज तकरीबन मिलती जुलती है। ऐसा नहीं हो कि आपकी वीडियो वो हिंदी वालों को भी दिखा रहा हो और इंडिया वालों को भी दिखा रहा हो, बांग्लादेश वालों को भी दिखा रहा हो, जबकि आपको नीड है पाकिस्तानी ऑडियंस की, तो इसलिए फिर वो रैंकिंग में नहीं आएगी। इसलिए आपने इसको पहले से बता देना ताकि YouTube को भी आसानी हो जाए, यार ये बंदा अब इसने ऑप्शन दिए हैं तो ऐसे थोड़ी कि ये एडवांस हो गया तो ये ऑप्शन ही रिमूव कर देता, बट ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई फायदा है। आपने लाजमी से यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। देन है कीवर्ड्स की बारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर आपने लाजमी ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ चैनल का जो कीवर्ड है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड जो है वो कीवर्ड लिखने, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक कीवर्ड लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है टैग Zoran, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा Zoran टैग Zoran। इस तरह मैंने अपने नेम के 3 कीवर्ड रख लिए। देन मोबाइल बॉक्सिंग, मोबाइल अनबॉक्सिंग। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है चैनल कीवर्ड, टैग बर्नर फिर इन्होंने मिला के लिखा हुआ है, फिर इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हाउ टू एंड्रॉइड। इसी तरह से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अपना चैनल, तो यहाँ पर भी आप देखें मैंने भी Zoran टैग, मेक मनी ऑनलाइन, ये इस तरह से अपने जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। इसीलिए आपने भी यहाँ पर उन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अब हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, अभी एक्सटेंशन वगैरह किस तरह से एनेबल होगी ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करने वाला हूँ हाउ टू, देन मैं यहाँ पर एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह से, और भी टेक चैनल, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच, ये मैंने इस तरह के कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, और ये आपने भी लाजमी से यूज़ करना है कि आपका जो है YouTube चैनल रैंक हो सके। अब ये जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, देन आपने यहाँ पर सेव का बटन पर क्लिक करना है, देन आप दोबारा सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपने चैनल पर जाना है, ये आपकी ऐसी हो गई है। अब आपने जाना है एडवांस सेटिंग्स में, और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्ट कर देंगे नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, सिंपली आपने इसको चैनल को सेलेक्ट कर लेना है। देन गूगल एड्स अकाउंट लिंक्ड, फिलहाल आपने इसको जो है वो कनेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑटोमेटिक कैप्शंस आपने इसको यहाँ से जो है वो इसी तरह रहने देना है। यहाँ पर क्लिप्स को आप जो है वो अलाउ कर देंगे। देन आप यहाँ पर चले जाएंगे फीचर्स में। अब यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट फीचर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। जैसे आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने क्या क्या अनलॉक हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखें वीडियो आप जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा की अपलोड कर सकते हैं,
कस्टम थंबनेल आप तब बना सकते हैं जब अपना वेरीफाई कर लेंगे आप अपना फ़ोन नंबर। लाइव स्ट्रीम आप तब अलाउ कर सकते हैं जब आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई किया तो आप यहाँ पर जैसे कि ये इनेबल लिखा हुआ है इसी तरह यहाँ पर भी एलिजिबल जो है वो ग्रीन हो जाएगा फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद, और ये सारे फीचर्स आपके ओपन हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर एडवांस फीचर में आएंगे और इसको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, देखें रिक्वायरमेंट्स है इंटरमीडिएट जो है फीचर्स आपके ऑन होने चाहिए। देन आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक चीज़ को करना होगा, जैसे कि चैनल हिस्ट्री, आपके चैनल को जो है वो 2 मंथ से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी ये ऑटोमेटिक अपलोड अप्रूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना वैलिड आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका कार्ड या फिर आपका NIC कार्ड वगैरह, आधार कार्ड इंडिया में जो होता है वो अगर आप अपलोड कर देंगे तो भी हो जाएगा। या फिर आप अपनी वीडियो वेरीफिकेशन मतलब अपनी फेस की वीडियो लगाएंगे और इस तरह से अपने कैमरे से शॉट करके तो भी वो हो जाएगा। देन इसको आप छोड़ दें, आपने सिंपली और सिंपली आ जाना है अपलोड डिफॉल्ट्स में। अब अपलोड डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पर आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ोरन टेक तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें हर टाइटल में ऑटोमेटिक ज़ोरन टेक लिखा हुआ आएगा, तो ये मेरे लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कोई डिस्क्लेमर वगैरह ऐड करते हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लाजमी ऐड कर सकते हैं उस डिस्क्लेमर को, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा चैनल है, मैंने सिंपली इनमें से किसी भी एक वीडियो को कर लेना है ओपन। अब जैसे कि ये वीडियो मैंने ओपन किया, अब यहाँ पर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें मैंने एक डिस्क्लेमर ऐड किया हुआ है, ये मैं ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि मैं इस डिस्क्लेमर को अगर यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये हर वीडियो में मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ताकि मैं इसको बार बार मुझे लिखना ना पड़े या फिर बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े हर वीडियो में। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आता जाएगा। देन आपने विजिबिलिटी यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि हम अक्सर वीडियो स्केड्यूल वगैरह भी करते हैं। स्केड्यूल क्या होता है कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं कि हम कहते हैं भाई 4 दिन बाद अपलोड हो, 2 दिन बाद अपलोड हो, तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे, जो कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। देन आप यहाँ पर ऐड टैग्स, अगर यहाँ पर आप कोई टैग, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ टैग ज़ोरन, जो टैग है वो हमेशा जो है वो हर वीडियो में है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा और सेव के बटन पर क्लिक करूंगा कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो ये जो टैग ज़ोरन टैग है ये ऑटोमेटिक हर वीडियो में मेरे पास आ जाएगा। तो ये भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने एडवांस वाले फीचर में आ जाना है और यहाँ पर आपने यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस को ही चूज करना है। कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपका चैनल किस कैटेगरी में एक्सीड करता है। देखें आपने कॉमेडी में वीडियो अपलोड करनी है, एजुकेशन में, ये सारी कैटेगरी अपने नाम के साथ अपनी पहचान बताती है कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और किस चीज़ में हमारी वीडियो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने जानी है, ट्रैवल में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, नॉन प्रॉफिट में जाना है, हाउ टू एंड स्टाइल में, गेमिंग में, किस चीज़ में आप वीडियो अपनी अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई, जिस तरह हम अनबॉक्सिंग वगैरह करें या फिर स्मार्ट वॉच वगैरह के रिव्यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर लैंग्वेजेस में आ जाना है, अब लैंग्वेज आपने लाजमी से सिलेक्ट कर लेनी है। आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। मैं सिंपली और सिंपली यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, दिस कॉन्टेंट हैज़ नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन US, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि मैं भी ब्लैंक छोड़ता हूँ। यहाँ पर आप कमेंट्स ऑन, यहाँ पर इस तरह से, और इसको आप सेव कर देंगे, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ गया सेटिंग सेव, आपने सिंपली सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और बाकी ये कम्युनिटी और ये एग्रीमेंट ये ऐसा ही है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। बस आपका काम इतना था, अब आपके चैनल की कंप्लीट SEO हो चुकी है। हमने इसका आर्टवर्क भी कर लिया, हमने इसमें टैग्स वगैरह भी लगा ली और कंप्लीट सेटिंग जो भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने कर ली। अब हमारा चैनल जो है वो पब्लिशिंग के लिए रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपनी यूट्यूब की वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, लॉन्ग वीडियोस हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, फिर हम उसकी SEO वगैरह सीखेंगे। तो उसके लिए अपलोड करने के लिए मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ। फर्ज करें मेरे पास ये कॉन्टेंट में, आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, बट एक मिनट, आपने यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेना है। नोट पैड आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा ये, और आप अपने PC में भी एक्सेस कर सकते हैं। आप नोट पैड लिखेंगे, ये देखें येलो कलर का जो लोगो का, रेड और येलो और ब्लैक, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इस नोट पैड का फायदा ये है, आपकी ये ब्राउजर में ऑटोमेटिक सेव होता है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर दूँ तो मैं दोबारा जब नोट पैड को ओपन करूँगा तो मेरे पास वो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और आप इसको अगर साइन इन कर लेंगे तो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देन आप इसकी फाइल को सेव भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है ये, ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर आपने अपने टाइटल की SEO करनी है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट करें अपलोड करना चाहता हूँ स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। अब हम देखें वीडियो अपलोड करनी है ना, पहले आप टाइटल बनाना होगा। अब उन सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सटेंशन। यहाँ पर आप आएंगे, आप लिखेंगे विड IQ,
ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और पेड भी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन के साथ जाना चाहते हैं, पेड या फ्री। मैंने सिंपली कंटिन्यू एज ज़ोरैन, मैंने इसको अपने जीमेल के साथ ही लॉगिन कर लिया है और अब इसका इंटरफेस कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर है ऐड योर यूट्यूब चैनल, आपने सिंपली ऐड योर यूट्यूब चैनल पर क्लिक करना है। तो ये देखें यूट्यूब का पावर है, यूट्यूब से वेरीफाइड है। अब यहाँ से आपने वही चैनल सेलेक्ट करना है जो कि आप इससे अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि ये है जो आप उसको चैनल को चलाना चाहते हैं। टैक्स ज़ोरैन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एक चैनल सेलेक्ट हो चुका है मेरा। देन यहाँ पे आपने अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अलाउ करने के बाद ये आपको कह रहा है इट्स फ्री और ये है प्रो। अब प्रो में आपको ये फीचर मिलते हैं और फ्री में जस्ट आपको वीडियो बेसिक एनालिसिस मिलता है, कंप्यूटर एनालिसिस और यूट्यूब एजुकेशन मिलती है। और यहाँ पे आपको देखें AI वीडियो रिकमेंडेशन मिलती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलते हैं, थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इसको टुकराएगा, लेकिन जब आप अर्निंग करने लगें तो आप इसको परचेस कीजिएगा, अभी आप फ्री करें। मैंने सिंपली फ्री पर क्लिक किया तो फ्री में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। और यहाँ पर भी आपको दिखाएगा कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने में कितने रह गए और आपके 4000 वॉच टाइम में कितना रह गया और ये फिर ये लेवल्स हैं, गेम की तरह ये वर्क करता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब ये आपका अटैच हो गया है, अब आपने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। वो कैसे, आप यहाँ पर लिखेंगे वेट IQ एक्सटेंशन, सिंपली ये लिया और यहाँ पर आप जो है वो विड IQ वर्जन पर क्लिक करेंगे, विड IQ विजन फॉर YouTube पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल होने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है और इसको आप ओपन रहने देंगे। और यहाँ पर आप ऐप में जाएंगे, ये रही एक्सटेंशन, आप इसको पिन कर देंगे ताकि ये यहाँ पर नजर आए, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये देखें ऑलरेडी आपके चैनल के साथ या टैग्स ज़ोरैन और ये लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने आ जाना है अपने YouTube चैनल पर और अब हम जो है वो इसकी SEO ऑप्टिमाइजेशन के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियो। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ मेरा जो कंपटीचर है मुझे किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनानी है। फर्स्ट करें मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, मैं फर्स्ट करें एक स्मार्ट वॉच से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन किससे मैं अपलोड करना चाहता हूँ इस वॉच से रिलेटेड वीडियो, WSZ9 स्मार्ट वॉच। फर्स्ट करें ये एक स्मार्ट वॉच है और सिंपली मैंने अब इसको देखना है कि इस पर कंपटीशन कितना है। मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, ये लिखा हुआ कीवर्ड्स, आपने यहाँ पर कीवर्ड में आके सर्च करना है और एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसका कंपटीशन जो है वो 53 से ज़्यादा 53 है, मतलब ये एक मीडियम कंपटीशन है। देन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह के कुछ सजेशंस आ जाएंगे 3, लेकिन अगर आप इसका प्रो करेंगे परचेज तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा और सजेशंस दे देगा। बट यहाँ पर देखें 4G एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच, बट ये कुछ खास नहीं लग रहा। मैंने सिंपली इसी को पेस्ट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनबॉक्सिंग किया तो यहाँ पर देखें 52 कंपटीशन हो चुका है। और इसी तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड को ट्राई करेंगे, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वो आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा एडस्टेरा अर्निंग ट्रिक्स, जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हैं कितना कम है, मतलब सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन वीडियो बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। और यहाँ पर देखें 84 ये फुल ग्रीन है और मैं इस पर अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इस पर रैंक हो सकता हूँ। और यहाँ पर देखें कुछ आपको और सजेशंस भी दे दिए हैं, एस्टेरा डायरेक्ट लिंक अर्निंग ट्रिक, एस्टेरा अर्निंग ट्रिक बंगला, तो ये सारी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने जो है वो कंपटीशन फाइंड करना है कि आपने कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। अब मुझे उम्मीद है आपको कीवर्ड फाइंड करना तो आ गया होगा। अब हम स्मार्ट वॉच नहीं था, स्मार्ट वॉच में आपको शायद समझ ना आए, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना आप लोगों को सिखाता हूँ। अब फर्स्ट करें ये एक मैंने कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब मुझे इसका टाइटल चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पर आकर सर्च करूँगा और देखूँगा दूसरे लोग इसका टाइटल क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे कि टाइटल यूज़ हो रहा है एडसेरा सेल्फ क्लिक एंड लोडिंग ट्रिक, एडसेरा न्यू हाई CPM ट्रिक, एडसेरा अर्निंग ट्रिक, इस तरह का एडसेरा CPM मेथड सेल्फ क्लिक, इस तरह के ये देखें स्टॉप हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एटसेरा, ये सारे कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एक टाइटल बनाना है, पहले तो मैं ये वाला ही कीवर्ड लिख दूंगा एटसेरा अर्निंग ट्रिक्स 2024 मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर मैं लिखूंगा एक और कीवर्ड एटसेरा सेल्फ क्लिकिंग अर्निंग ट्रिक। अब मैंने ये दो कीवर्ड लिख दिए, अब कोई भी इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो कंपटीशन इस पर इतना कम है, अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो वो ऑटोमेटिक यूट्यूब उसको रैंक कर देगा। बस आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपको अपलोड करना आना चाहिए। ये मैंने टाइटल पहले इसीलिए बनवाया है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और आप आ जाएंगे अपनी वीडियो में। अब जैसे कि आपने ये वीडियो अपलोड करनी है, आप सिंपली F2 करके ये वाला जितने भी जो भी कीवर्ड हैं आपने सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आप अपने सिंपली यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप
यूट्यूब अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे। आपने सिंपली अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और ये मेरी वीडियो थी, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा। इस तरह आपने ओपन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक ये नेम आ गया और यहाँ फाइल का नेम क्या आया यूट्यूब की डिक्शनरी में, यूट्यूब की डेटाबेस में क्या गया कि जो वीडियो है ये इससे रिलेटेड है। ये एसईओ ट्रिक्स मुझे नहीं लगता आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी शेयर करके देगा भाई, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, वो मैं सब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आप देखें ये डैश जा चुका है, तो सिंपली आप दोबारा इसको कॉपी करेंगे और यहाँ कंट्रोल ऑल करके पेस्ट कर देंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। देन आपने डिस्क्रिप्शन में भी कंट्रोल वी करना है और इस तरह से आपके ये आ जाएंगे। अब आपने एक काम और करना है, वो क्या, रैपिड टैग्स में। रैपिड टैग्स यहाँ पर YouTube टैग जनरेटर ये बहुत अमेजिंग टूल है और बहुत परफेक्ट वर्क करता है। यहाँ पर आके आपने सिंपली अपना टाइटल पेस्ट करना है और यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो खुद ही बना के दे देगा। देखें एडसेरा रनिंग ट्रिक, एडसेरा रनिंग ट्रिक्स, ये देखें एडसेरा डायरेक्ट लिंक टर्निंग और ये सारी चीज़ें आपको ये बना के दे देगा। आपने सिंपली कॉपी टैग्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जस्ट इतना आपने करना है कि YouTube को पता चले, यहाँ पर आपने बता दिया, यहाँ पर इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट, यहाँ भी आपने YouTube को बता दिया, सारे आपने पेस्ट कर दिया। अब अच्छा ये हो जाएगा कि आप यहाँ से ये जितने भी कॉमा हैं ये सारे आप रिमूव कर दें। अब मैं ये वन बाय वन अगर कॉमा रिमूव करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बट अच्छा होगा अगर आप इनको रिमूव कर दें, YouTube जो है वो उलझेगा नहीं। देन आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे योर क्यूरीज या फिर आप लिखेंगे क्यूरी सॉल्व, यहाँ पर आपने डबल कोटेशन और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपका एक काम है, आप यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब में और यहाँ से आपने जस्ट अपना मेन कीवर्ड लिखना है एडसेरा अर्निंग ट्रिक्स और जितने भी कीवर्ड आपके सामने आए आपने वन बाय वन यहाँ से उठा के इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है कि भाई हम ये वाली क्यूरीज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। यूट्यूब कहेगा कि यार जो मैं इसको सर्च में दिखा रहा हूँ ये वो क्यूरीज को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरह से सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर आपने जितनी भी क्यूरीज आपके सामने आए आपने वो यहाँ पर पेश कर देनी है। देन आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे हैश टैग्स, यहाँ पर डबल कोटेशन और यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एडसेरा अर्निंग ट्रिक्स, इस तरह के आपने हैश टैग्स लगाने ऑनलाइन अर्निंग। ये देखें अब आपने रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कि भाई हम इसमें ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहे हैं तो ये आपने यहाँ पर लगाने, ये आपकी यूट्यूब वीडियो की कंप्लीट एसईओ हो चुकी है। इसी तरह आपने अपनी यूट्यूब वीडियो की एसईओ करनी है, गारंटी देता हूँ आपकी वीडियो रैंक होगी। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको वीडियो का ढंग होना चाहिए, आकर कैमरे में बात कैसे करनी है, कैमरे को अपना दोस्त बनाना है, उससे बात करनी है, उसी तरह आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपलोड करना है और इसी तरह एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है, 100% आपकी वीडियो रैंकिंग में आ जाएगी। ये सारा हो गया, अब है थंबनेल की बारी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका थंबनेल अगर आई कैचिंग नहीं है कोई भी उस पर क्लिक नहीं करेगा, कोई भी नहीं देखेगा आपकी वीडियो भले अंदर कितना ही अच्छा कंटेंट हो। इसलिए थंबनेल आपने बहुत अट्रैक्टिव बनाना है और ध्यान से देखना है कि मैं थंबनेल किस तरह बनाना सिखा रहा हूँ। अभी हम चलते हैं थंबनेल बनाने की तरफ। थंबनेल बनाता हूँ मैं अपने कैनवा से और आपने भी कैनवा से ही अपने थंबनेल बनाने हैं। अगर आपको फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है, आप किस तरह से आई कैचिंग थंबनेल बना सकते हैं, तो आप फोटोशॉप की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है थंबनेल। जैसे आप थंबनेल लिख लेंगे ऑटोमेटिक यूट्यूब थंबनेल का साइज आ जाएगा, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अगर ध्यान किया हो तो देखें येलो 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 कलर, डार्क कलर जितने भी है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मतलब ये सारे वो थंबनेल्स हैं जो कि एक डिज़ाइनर ने बनाए होंगे, प्रोफेशनल लोगों ने बनाए हुए होंगे, इसलिए ये आपको अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ लग रहे हैं। तो इसी तरह आपने थंबनेल बनाने और एक चीज़ और आपने यूज़ की होगी, शॉकिंग इमेजेस ज़्यादा यूज़ हैं क्योंकि शॉकिंग जो इमेज होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है व्यूवर्स को और वो उस पर लाजमी क्लिक करते हैं। बस वो शॉकिंग इमेज को देखने के बाद थंबनेल में जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं और टाइटल पढ़ने के बाद उस वीडियो पर क्लिक करके उसको देखना शुरू कर देते हैं। आपका कॉन्टेंट अच्छा हो, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्टेंट किंग है। देन यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ देखें कोई भी थंबनेल आपको अच्छा लगता है, जिस टेम्पलेट में आपने अपना थंबनेल बनाना है आप सिंपली वो टेम्पलेट चूज कर लेंगे। जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला टेम्पलेट, मैंने सिंपली इसको चूज कर लिया और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर कर लूंगा क्लिक। सिंपली मैंने इसको चूज किया, अब आप अपना थंबनेल भी बना सकते हैं नहीं तो आप टेम्पलेट्स को भी ले सकते हैं। अब ये इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इमेज को चेंज कर देना है। इमेज चेंज करने के लिए आप सिंपली एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे शॉकिंग मैन, आपने वुमेन लगानी है, मैन लगाना है, वो आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। आपने फोटोज पर जाना है और यहाँ पर आप देखें बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये कुछ ठीक लग रही है, मैं जैसे इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अब कैनवा में अगर आपका प्रो अकाउंट नहीं है तो मैंने जैसे आपको बताया तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, बट अगर आपका प्रो अकाउंट है तो आप इजीली यहीं से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे रिमूव बीजी,
रिमूव वीजी लिखेंगे, आपने इस वाली वेबसाइट पर जाना है रिमूव वीजी फ्रॉम इमेजेस। यहाँ पर ये देखिए 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, जिसका भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने वो सिंपली इमेज यहाँ से चूज़ करनी है, यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है। जस्ट कुछ सेकंड का वेट करना है और ये वेबसाइट आपकी इमेज में से बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव करके दे देगी। जैसे कि ये देखें इस तरह से, आप यहाँ पे और कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे वो सारा कुछ भी। ये देखें अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, ये देखें ये रिमूव कर दिया। और आप डन पर क्लिक करके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और डाउनलोड HD करेंगे तो आपको इस पर फ्री अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब आप इसकी हाई क्वालिटी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने सिंपली यहीं से कर लिया है और मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लूँगा और इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया। अब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा उधर हो रही हैं तो मैं इसको यहाँ पर एंड ये कस्टमाइजेशन लाजमी है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने सारा ही कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। देन यहाँ पर है हाउ टू मेक, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूँगा मेक मनी एस्टेरा इन 6 स्टेप, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो का कंटेंट है, जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने थंबनेल में उर्दू किस तरह से लिखनी है कैनवा का यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमने यहाँ पर फॉन्ट ऐड करना होगा उर्दू वाला, उर्दू फॉन्ट, जैसे कि है ये जमील नूरी। अब आप ये किस तरह से कर सकते हैं, आपके पास अगर कैनवा प्रो अकाउंट है तो आप उसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने सिंपली ब्रांड्स में जाना है, यहाँ पर आपने, सॉरी इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर है फॉन्ट, ये देखें ब्रांड किट्स हैं, यहाँ पर आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें अपडेट ब्रांड किट, और यहाँ पर आप देखें तो ऐड न्यू लोगो कलर पैलेट, और यहाँ पर ये देखें फॉन्ट के आगे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपलोड अ फॉन्ट पर क्लिक करना है, और जो भी आपका फॉन्ट डाउनलोडेड हो आपने ऐड न्यू करना है, और यहाँ पर जहाँ भी आपने जमील नूरी फॉन्ट आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके यहाँ से उस फॉन्ट की फाइल को ओपन करके अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है। अब ये तो हो गया उर्दू लिखनी कैसे है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे easynepalityping.com, ये वेबसाइट आपने लाजमी से याद कर लेनी है और इसको आपने यूज़ करना है। और यहाँ पर आप आके जब इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पर है देखें इस तरह से इंग्लिश में मैंने लिखा और उर्दू में यहाँ पर आपके पास आ गया, इसी तरह से आपने लिखना है। अब उर्दू आपने यहाँ पर जैसे कि मैं यही ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये टेक्स्ट लिया, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली मुझे कंट्रोल वी कर देना है पहले, तो जब आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें फॉन्ट बेकार से आएंगे। अब आप कहेंगे हमने तो डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इस फॉन्ट को आप चेंज कर देंगे जमील नूरी में। मैं यहाँ से देख लेता हूँ ये रहा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आप इसके फॉन्ट चेंजिंग देखिएगा और राइटिंग देखिएगा कितनी अमेजिंग हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से आपकी राइटिंग हो गई। इस तरह आप अपने थंबनेल में जितनी जो है वो उर्दू लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एक चीज़ ये कि यहाँ पर ये ठीक सही नहीं आया, तो इसका सोल्यूशन ये है आप इसको बैक करेंगे, दोबारा आपने बैक पर क्लिक करना है, दोबारा आप लिखेंगे ठीक, और जब अगर नहीं ठीक आए तो आप इसको बैक स्पेस करेंगे तो ये आपको और ऑप्शंस दे देगा कि आपने इनमें से कौन सा यूज़ करना है, तो मैं ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ। इसी तरह आप करके और यहाँ पर आके आप उसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब इमेज की आउटलाइन वगैरह आप लोगों ने लाजमी से देनी है। अब इमेज की अगर आप लोग आउटलाइन वगैरह देना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट फोटो पर जाएंगे, और ये फ्री फीचर है कैनवा का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेडो में जाएंगे, ये लिखा हुआ आउटलाइन, आपने आउटलाइन पर क्लिक करना है, ये ब्लैक है, आपने व्हाइट आउटलाइन देनी है, आप सिंपली व्हाइट पर क्लिक करेंगे, साइज़ का छोटा बड़ा करना है आप यहाँ से वो कर सकते हैं, और एंगल आपने जिस तरह इसको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको फिर अच्छा लगता है आप यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी फुल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जितनी भी है। और अगर आप यहाँ पर शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो भी दे सकते हैं, आपने ब्लैक कलर का शेडो देना, आप यहाँ पर इसको सिंपली करेंगे इंटेंसिटी इसकी फुल कर लेते हैं, और मैं इसका ब्लर अमाउंट भी ज़्यादा करके और साइज़ भी मैं इसका नॉर्मल करके इसको लार्ज करूँगा, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का हमारे पास शेडो भी आ गया। दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं, या तो आप शेडो दे सकते हैं या फिर आप इसमें आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारा कुछ करना है, देन आप सेव के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड एंड यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब के साइज में ही डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो अब हम अपने वापस यूट्यूब में आ जाएंगे और हमने टाइटल को कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद दोबारा अपलोड थंबनेल पर जाएंगे और ये आपसे कहेगा आपको वेरीफाई करना होगा नंबर। अब मैं यहाँ पर अपना वेरीफाई नहीं कर रहा नंबर, क्योंकि मैं इस चैनल को कतई यूज़ नहीं करूँगा। और अब आपने क्या करना है, जैसे कि थंबनेल आप अपलोड करेंगे, थंबनेल में भी आपने वही टाइटल जैसे कि हमने वीडियो अपलोड की, जैसे कि हमारा ये वाला थंबनेल आ गया ये रहा, F2 प्रेस करके आपने कंट्रोल वी कर देना है और ये टाइटल यहाँ भी आ जाएगा। आपने सिंपली अपलोड पर क्लिक करके ये वाला थंबनेल वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, तो थंबनेल का फाइल नेम भी जो है वो
यही जाएगा ये वाला। देन आपने प्लेलिस्ट भी लाजमी से क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर आप क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करके न्यू प्लेलिस्ट, आप ये फर्स्ट करें इसमें एडसेरा की वीडियो है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एडसेरा रख लिया और मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लूंगा। ये एडसेरा की प्लेलिस्ट आ गई है, ऑटोमेटिक ऐड हो गई है। यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टैग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ पर टैग जोरियन जो है वो ऐड किया था, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया। अब टैग्स आपने कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रहे टैग्स, आपने सिंपली इसी को कॉपी कर लेना। यहाँ पे आप कंट्रोल वी पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये सारे टैग्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देन आपने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लेनी है और आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपने जो है वो ऐड एन स्क्रीन लगा सकते हैं। अब आपके मल्टीपल वीडियोस आपके चैनल पर अपलोडेड होंगी तो ये ऑप्शन आपके सामने ऐड का आ रहा होगा, जैसे कि ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ऐड कार्ड लगाना चाहते हैं, आप ऐड कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने कोई भी वीडियो लगानी है, प्लेलिस्ट लगानी है, चैनल लगाना है, आपने देखा होगा लोग कहते हैं यार आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लिएगा, तो वो आई बटन यहाँ से लगता है। आपने सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है, जो भी वीडियो आपने लगानी है उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, वो आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। मैं इसको नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, मैंने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। कॉपीराइट देखें, यहाँ पर नो कॉपीराइट इशू फाउंड है, आपने इस चीज़ को लाजमी से देख लेना है। अगर यहाँ पर कोई इशू आया तो उसको हरगिज़ आपने अपलोड नहीं करना, आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप अगर वीडियो स्केड्यूल करना चाहते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि, तो यहाँ पर आप देखें, मैं कहता हूँ भाई ये वीडियो जो है वो 24 अप्रैल को 12 बजे या फिर सुबह या फिर जो है वो रात 8 बजे अपलोड हो जाए, तो मैं इस तरह से यहाँ पर टाइम दे दूंगा और स्केड्यूल पर क्लिक करूंगा तो ये 24 अप्रैल को वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। इवन कि मेरा नेट बंद हो या फिर मैं कहीं बिजी हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, कुछ भी हूँ, तो मेरी ये वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। आपने सिंपली स्केड्यूल पर क्लिक करना है और ये वीडियो हमारी जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। इसी तरह हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। ये हमने अपलोड की है लॉन्ग वीडियो। इसी तरह आपने अगर शॉर्ट वीडियो अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है, वैसे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट अगर आपने पीसी से अपलोड करनी है तो उसके लिए आप सिंपली अपने चैनल में जाएंगे, यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कहीं भी शॉर्ट अपलोड करने का ऑप्शन नजर ही नहीं आएगा और आप लोग यहीं पे आके परेशान हो जाते हैं कि सर शॉर्ट अपलोड करने का ऑप्शन तो है ही नहीं। उसके लिए देखें, मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल, जो भी वीडियो 60 सेकंड से नीचे की होगी वो ऑटोमेटिक मेरे शॉर्ट्स में चली जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे कि मैं कोई भी एक शॉर्ट वीडियो ले लेता हूँ, ये वाली एक शॉर्ट वीडियो ले लेता हूँ, मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया। ये इसका साइज भी शॉर्ट वाला है और ये है भी 60 सेकंड से कम। मैंने सिंपली इसको यहाँ से अपलोड किया। मैं जैसे कि हर अपनी वीडियो इसी तरह अपलोड कर सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम भी आ रहा है। इस तरह मैं इसको पहले ही अपलोड कर चुका था। मैंने सिंपली यहाँ पर जो है वो टाइटल रखना है, जैसे कि ये टाइटल लिखा हुआ है, इसी तरह यही टाइटल मैं सिंपली यहाँ पर करूँगा। जो प्रोसेस हमने लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए किया था, वही सारे टैग्स वगैरह जिस तरह हमने किया था वो सारे यहाँ पर करेंगे। हाँ, अगर आप मोबाइल से इसको अपलोड करेंगे तो ये सारे कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट टाइटल मिलेगा, उसमें आप हैशटैग लगा के अपलोड कर देते हैं। बट अगर ऐसी ऑप्टिमाइज आपको शॉर्ट अपलोड करना है तो इस तरह करना होगा, जैसे लॉन्ग वीडियो की थी आपने सिंपली वही डिस्क्रिप्शन, उसी तरह डिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है, उसी तरह टाइटल फाइंड करना है, उसी तरह फाइल का नेम रखना है, सब करना है और यहाँ पर आप रख लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें थंबनेल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में थंबनेल नहीं लगता। फॉर नाउ यू कैन नॉट चेंज द थंबनेल ऑन योर शॉर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखें जैसे ही वीडियो 60 सेकंड से कम की होगी और उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट वाली होगी तो वो ऑटोमेटिक देखें शॉर्ट के सेक्शन में चली जाएगी। मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट खुद ही चली गई है। देन यहाँ पे आप प्लेलिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखें शॉर्ट इस तरह से आएगा और यहाँ पर आपने दोबारा शो मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको टैग्स भी असाइन कर देने हैं, क्योंकि टैग्स जो है वो असाइन करेंगे तो ही उसकी वीडियो की एसईओ होगी और यूट्यूब को पता चलेगा ये वीडियो किससे रिलेटेड है, मुझे कौन सी ऑडियंस को शो करानी है, किस ऑडियंस का किस में इंटरेस्ट है, वो यूट्यूब को सारा इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। देन आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे। वहाँ पर आपको कार्ड बटन नजर आ रहा था, आई बटन नजर आ रहा था, यहाँ पे कोई भी आई बटन नहीं है, ऐड रिलेटेड वीडियो है, जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन करनी होगी, देन ये ऐड रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन आएगा और ऐड सबटाइटल्स भी आप जो है वो ईजिली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। देन आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, कॉपीराइट का इशू आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने स्केड्यूल इसको भी कर लेना है। इसी तरह से आपने अपने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देनी है और यहाँ पर देखिए नीचे आ गया कंप्लीट चेक, नो इशू फाउंड, और आप यहाँ पर स्केड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह अपना शॉर्ट अपलोड करेंगे, जैसे ही आप इसको स्केड्यूल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाली वीडियो शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएगी। मैंने सिंपली इसको स्केड्यूल कर दिया, क्लोज कर दिया। मैं वापस अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कॉन्टेंट पर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखें एक वीडियो मेरी लॉन्ग में आ रही है, यहाँ पर शॉर्ट वाली नहीं आ रही। मैंने सिंपली शॉर्ट्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें ये वाली वीडियो मेरी शॉर्ट में आ रही है। इसी तरह आप अपने शॉर्ट की एसईओ करके उसको अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपने यूट्यूब की सर्विसेज दूसरों को कैसे ऑफर करनी है और उससे ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान किस तरह से करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यूट्यूब सीख ली तो क्यों ना यार, अगर यूट्यूब आपको पैसे नहीं दे रही, चैनल मोनेटाइजेशन में काम वक्त लग रहा है, तो आप इसी तरह किसी और को अपनी सर्विसेज ऑफर करके उससे अर्निंग कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले आ जाना है फाइवर में और
हाउएवर मैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप लिखेंगे ना यूट्यूब तो आपको यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज सेल होती हुई नजर आएंगी, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब प्रमोशन, यूट्यूब चैनल क्रिएट एंड सेटअप, जो कि मैंने इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिखा दिया। ये वही चीज़ करेंगे, इसमें करेंगे क्या मैं आपको अभी पैकेजेस में दिखाता हूँ और ये उसके कितने चार्ज कर रहे हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। भाई ये देखें ये 5,800 rupees चार्ज कर रहे हैं और ये क्या करके देंगे, इन्होंने थंबनेल में लिखा हुआ है लोगो बना के देंगे, बैनर बना के देंगे, SEO ऑप्टिमाइजेशन करके देंगे, इंट्रो एंड आउट्रो बना के देंगे, वेरीफाइड चैनल करके देंगे, ये सारी चीज़ें ये करके देंगे जस्ट कितने में, 5,800 rupees में, 6,000 में तकरीबन। इसी तरह यहाँ पर आप देखें आई विल क्रिएट एंड सेटअप अ यूट्यूब चैनल लोगो चैनल आर्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया 4,000 में जस्ट ये बैनर डिजाइन करेंगे, चैनल की SEO जैसे कि मैंने आपको सिखाई, लोगो बना के देंगे और यहाँ पर ये क्रिएट एंड सेटअप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना और ये सारा करना कितना मुश्किल है यार, आपने इस कोर्स में सीख लिया होगा। स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज देखें इनका 11,000 rupees का पैकेज है जिसमें ये क्या करेंगे सिल्वर और गोल्ड दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। अब यहाँ पर आप पढ़िएगा वाटरमार्क वीडियो वाटरमार्क जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया भी था और यहाँ पर आप प्रीमियम में देखें दो वीडियो की SEO भी करके देंगे या थंबनेल डिजाइन भी करके देंगे, कीवर्ड रिसर्च भी करके देंगे, vidIQ से मैंने आपको सिखा दी और यहाँ पर ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिख के देंगे जैसे कि मैंने आपको अभी इसी कोर्स में कंप्लीट सिखा दी। तो ये सारा कुछ इस तरह करके देंगे और इसके ये चार्ज करेंगे 11,600। तो यार आप क्यों नहीं अर्न कर सकते? अब अगर आपको क्लाइंट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है और आपका भी यही क्वेश्चन है कि सर मुझे नहीं कामयाबी हो सकती, मैं जो है वो फाइवर पर नहीं सक्सेस हासिल कर पा रहा, तो उसका सॉल्यूशन भी भाई ज़ोरेन भाई के पास है। सिंपली आपने यूट्यूब पर लिखना है हाउ टू फाइंड यूट्यूब क्लाइंट्स ज़ोरेन टेक, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी, ये देखें ये वाली हाउ टू फाइंड यूट्यूब SEO क्लाइंट, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। फाइंड टारगेटेड क्लाइंट्स में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, इसको जब आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स फाइंड करना आ जाएंगे और ये मैंने इसमें सारी वो चीज़ें ऐड की हुई हैं जो कि लोग अपने पेड कोर्सेज में कवर करते हैं नहीं बताते यार, वो कहते हैं हमने 6 साल 12 साल 50 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसको हम फ्री में नहीं सेल करेंगे, हम उसके 50,000 30,000 40,000 इस तरह चार्ज करेंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से मुझे अर्निंग हो रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत